खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी फैशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरीके के पॉटरी बटन किस तरीके से हम बनाते हैं। तो इसमें कोई भी टूल्स की या किसी भी प्रकार का थर्मोकोल या स्पंज की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपड़ा और एक मैचिंग धागा चाहिए। तो इससे आप आसानी से पॉटरी बटन घर पे ही बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके के पॉटरी बटन किस तरीके से बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कपड़ा है और कुछ भी नहीं है, तो भी हम पॉटली बटन बना सकते हैं। इसमें कोई थर्मोकोल या कोई भी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसके बिना पॉटली बटन नहीं बनता है। अगर थर्मोकोल रहता है तो बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ पॉटली बटन के लिए, वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि वो थर्मोकोल जो हम यूज़ करते हैं वो आगे जाके खराब हो जाता है। लेकिन ये जो आज हम पॉटली बटन बनाने वाले हैं इसी कपड़े में से, उसमें कोई भी तरीके से खराब होने का चांस नहीं है। तो ये आइडिया बेटर है, और मैं इसी तरीके से सारे सूट और जिस पैंट हो डिजाइन पॉटली बटन वाली जो डिजाइन है वो सारे मैं इसी में इस तरीके से बनाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पीस कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से एक स्क्वायर इस तरीके से कटिंग करेंगे। जितने पॉटली बटन हमें बनाने हैं उतने स्क्वायर यहाँ पर हम कटिंग करके ये वाले बना लेंगे। तो इसमें हमें 10 पॉटली बटन की ज़रूरत है, तो ये 5 का हो गया। 5 यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 10 पीस हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो थर्मोकोल डालते हैं उसकी जगह यही कपड़ा हम यूज़ करेंगे। तो ये कपड़ा यहाँ से सबसे पहले इस तरीके से कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे बारीक बारीक। तो अब ये कटिंग होने के बाद इसको एकदम बारीक कर लेंगे। तो हमने ये कपड़ा ले लिया है, तो ये जो स्क्वायर है उसके अंदर ये हम डालेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा है पॉटली बटन बनाना है तो ज़्यादा लेंगे, और कम बनाना है तो उसको हम लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा राउंड कर लेंगे, और उसके बाद इसके बीचों बीच में यहाँ पर हम रख देंगे, और ये अंगूठे से हम इसे टाइट दबा के रखेंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो ये पॉटली बटन बन गया। इसमें अभी हमें मैचिंग धागा लेंगे, और ये मैचिंग धागा हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम बांध लेंगे। तो बांधने के लिए यहाँ से एकदम पॉइंट से हमें बांधना है, और पूरा यहाँ तक बांध देना है। तो ये लगाने में हमें बड़ी आसानी होगी। इसको अब हम कट कर देंगे। तो ये पॉटली बटन बन के एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा पॉटली बटन बनाते हैं। अब हम दूसरा पॉटली बटन इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये वाला जो भाग है ये ले लिया हमने, तो इसके बाद इसके बीचों बीच यहाँ पर हमने रख दिया, और अब
ये दोनों की जो साइज है वो सेम ही है। अगर ऐसा होता है कि भाई छोटा बड़ा हो गया तो इसे किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते वो देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये बड़ा हो गया तो इसमें से इतना से ये निकाल देंगे और इसके बाद बनाएंगे तो माप के हिसाब से हो जाएगा। अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो इसमें से ये थोड़ा सा हम यहाँ से लेके इसको मिला लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो पोटली बटन है बन के एकदम रेडी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम बांध देते हैं इसको। तो इसकी जो मेथड है वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम पोटली बटन बनाते हैं। तो एक के बाद एक हम पोटली बटन जो है इसी तरीके से बनाते जाएंगे और सारे के सारे पोटली बटन हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से इसको ढीला नहीं छोड़ना है, इसको एकदम टाइट ही पकड़ना है। उसके बाद हम बांध देते हैं। बांधते वक्त इसको टाइट रखना है तभी इसका जो फिनिशिंग है वो एकदम राउंड वाला रहेगा। अगर इसको ढीला छोड़ दिया तब फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से आप काट देंगे तो ये पोटली बटन बन के एकदम रेडी है, सारे के सारे एक जैसे ही है। तो ये पोटली बटन बन के एकदम रेडी है, सारे के सारे पोटली बटन एक साइज के हमने बनाए हैं और किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ और सिर्फ एक मैचिंग धागा चाहिए और कपड़ा चाहिए, दो चीज़ हो गई यानी कि आपका पोटली बटन बन के रेडी है और इंस्टेंट तुरंत बन जाते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा बनाने होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी कोई मशीन की या किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और थर्मोकोल वगैरह जो स्पंज सब यूज़ करते हैं उससे बेटर ये ही है कि ये आप मेथड से करोगे तो पोटली बटन जो इसको वॉश करने के बाद भी वैसे के वैसे रहेंगे और थर्मोकोल जो है वो ऐसे आप बैठ जाता है तो पूरा जो पोटली हो ऐसा हो जाता है। तो वो हिसाब से हम इसमें कपड़ा यूज़ करते हैं तो कपड़ा थोड़ा है कड़क रहेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।